press the bell icon and never miss any updates from Telly Reporter. सो बेसिकली अनुष्का जो भी कुछ कर रही है वो एक अच्छी दोस्त होने के नाते कर रही है और वो ऑब्वियसली अनुष्का को जूही समझता है तो उसे लगता है कि कभी कभी ये बड़ा अच्छा बिहेव करती है, कभी कभी बिल्कुल भड़क जाती है, चल क्या रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है अनुष्का के बिहेवियर से, बट अनुष्का का बिहेवियर भी बहुत ही इन अ वे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो दोस्ती वाले हर काम करती है लेकिन जैसे ही वो लाइन क्रॉस हो जाती है उसका हाथ उठ जाता है या मुँह पर कुछ बोल देती है। So that is what Anushka is doing and that misunderstanding between them is what is creating the problems. आज जो बहस थी वो अलग रीज़न से थी। आज जो बहस थी उसने मुझे जानू के बारे में पूछा क्योंकि मेरे मुँह से गलती से एक बार जानू निकल गया और मैं वो जवाब नहीं देना चाहती एंड एट द सेम टाइम उसे ताना मारना चाहती हूँ। इससे मैं कहती हूँ कि तुम शर्त बोल रहे हो, कितना कंडीशनल प्यार है तुम्हारा। जैसे प्यार कहते हो वो सिर्फ बचपन है और उससे वो और भड़क जाता है। सो और फिर मैं और भड़क जाती हूँ तो हमारी कोई भी बात सीधी नहीं होती, झगड़ा झगड़ी तो चलती ही रहती है। आई थिंक ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि हम एक दूसरे को ना देखें क्योंकि हमारी जो दादी है वो पीछे ही पड़ी है कि हमारी शादी हो जाए, हम एक दूसरे से मिलते रहे, हम एक दूसरे के साथ ही रहें। तो दादी आई एम श्योर विल डू समथिंग। थैंक यू। थैंक यू।